सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग बहुत ज़्यादा बेहतरीन, खुश और बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को पता चलने वाला है कि कैसे आप लोग जो है एक हाउसिंग लोन्स या फिर एक होम लोन्स ले सकते हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम बात करते हैं आज की डेट में कि अगर आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट की ज़रूरत है, जैसे कि अगर बात होती है कि कोई भी घर लेने के लिए, स्पेशली अगर आप एक लैंड एक मतलब एक प्रॉपर्टी और उसी के ऊपर हाउस बनाना चाहते हो, तो मिनिमम टू मिनिमम आज की डेट में आपके पास 30 लाख रुपये तो होने ही चाहिए। क्योंकि ये तो मैं कम बता रहा हूँ, वैसे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 50, 60, 70 तक पहुंच जाते हैं। और अगर आपके पास घर है लेकिन उसमें कंस्ट्रक्शन या रिनोवेशन करवाना है, तो उसमें आपके मिनिमम लग जाते हैं 5 to 10 या 15 लाख के अराउंड में। अब जाहिर सी बात है, जिन लोगों की सैलरी 20, 30, 40, 50 हज़ार के बीच में है, तो वो करवा सकते हैं अगर उनके पास किसी ना किसी टाइप के फंड या फिर फंड हो पहले से एक्स्ट्रा, जिनको सेविंग्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और आज की डेट में हम सेविंग्स की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम लोगों ने अभी रिसेंटली ऐसे इंसिडेंट को देखा है जो कि है पैंडमिक लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं बचे होंगे। और जाहिर सी बात है, जब उन्होंने अपनी सेविंग्स के जरिए ही गुजारा किया है, तो ऐसे में हम होम लोन्स या फिर होम घर बनाने के लिए पैसों की उम्मीद उनसे कहाँ कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे ही कंडीशंस में आपकी बैंक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और बैंक्स आपको हमेशा चाहता है कि आप उनकी सर्विसेज को यूज़ करें, यूटिलाइज करें, फीडबैक दें, और वो अपने आप में इंप्रूवमेंट करते हैं जिनसे आपके लिए वो हमेशा अच्छा करना चाहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में बात आती है बैंक्स की, और किस बैंक से आप लोग जो है आप लोगों को होम यानी कि घर बनाने के लिए सपोर्ट मिल सकता है, तो वो बहुत सारे बैंक्स हैं। लेकिन किस टाइप के लोन्स में इसकी गिनती होती है, तो वो होती है होम लोन्स, जिसको आप लोग हाउसिंग लोन्स भी कहते हो। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि आज हम किस बैंक से होम लोन्स लेने के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप नंबर वन बैंक HDFC बैंक से आप लोग जो है होम लोन्स या हाउसिंग लोन्स किस तरीके से ले सकते हो। दोनों टाइप्स के लोन्स के बारे में बात होगी, रिनोवेशन लोन की और न्यू होम लोन्स के बारे में बात होगी। और यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़, मैं आपको एक चीज़ एडवांस से बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी होम लोन्स लेना होगा, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो साथ में रखें ही रखें, जो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो बेसिक आपके वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, ह्यूमन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, वो तो आप साथ में ज़रूर रखें। लेकिन इसके साथ में प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका जो है ये होम लोन्स अप्रूव किया जाता है। अक्सर लोगों के जो लोन रिजेक्शन होती है, वो इसी वजह से होती है कि उनको सही तरीका पता ही नहीं होता कि उनको क्या कुछ करना चाहिए, इनके बेसिस पे उनको लोन मिलेगा। तो प्लीज़, जैसे मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट साथ में रखें, ये तो साथ में आप लोग जरूर रखें। और साथ ही बताना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते वक्त में ज़्यादातर लोग गलतियाँ करते हैं, जो मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी करे। सो प्लीज़ वॉच वीडियो टिल एंड तक, और प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो। अगर आप लोग इस वीडियो को आगे चलिए कहीं भी स्किप करते हो, तो इसके नुकसान दे की भरपाई आप खुद ही करोगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप अगर किसी वीडियो को पैशनेट होकर नहीं देख सकते हैं, तो इसका मतलब आप लोग लोन्स वगैरह कुछ नहीं ले सकते। देखो, बंदा इन्फॉर्मेशन ही दे सकता है, यूटिलाइज और स्टेप्स प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, जो कि आज की इस वीडियो में आपको स्टेप्स और प्रोसेस बताए जाएंगे। सो प्लीज़ पूरा का पूरा फॉलो करें। बाकी अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को वॉच करें, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। क्योंकि जब आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करोगे, तो हमें फीडबैक मिलेगा हमारी वीडियोज के बारे में। साथ ही में यू कैन शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, जिनको एक्चुअली में लोन्स की आवश्यकता है, उनके पास ये वीडियो सही में पहुंच सके। तो आप लोग अभी वीडियो को शेयर कर दो। साथ ही में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपको डेली कमाल के ऐसे ही रोजाना वीडियोज देखने को मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। और नीचे कमेंट बॉक्स पे आना है, यहाँ पे आपको लिखना सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, और लोन लेने का कारण क्या है, कमेंट्स में लिख के हमें बता देना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं हमारा मेन वीडियो, और जानते हैं कि कैसे आप लोग HDFC बैंक से हाउसिंग लोन्स यानी कि होम लोन्स कैसे अप्लाई कर सकते हो, और HDFC बैंक से होम लोन लेने के लिए आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहें, और जो भी स्टेप्स बताऊँ उनको एज इट इज़ आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। तो बता दूँ, ये है हमारी मेन वीडियो, जो कि फिलहाल आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीडियो के जस्ट नीचे ये होता है टाइटल, तो जो टाइटल है आप लोगों ने सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग टाइटल पर क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, जहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर बढ़ना है, और यहाँ देखने को मिलती है आपको ये वेबसाइट लिंक, जिसको मैंने यहाँ पे फिलहाल अंडरलाइन किया हुआ है। ये जो वेबसाइट लिंक देखने को मिल रही है, जिसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, आप लोगों ने सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे, जो लिंक है आपकी ऑटोमेटिक गूगल के वेब सर्च ब्राउज से ऑटोमेटिक कनेक्ट कर जाएगी, और आपके सामने शो करेगा गूगल का ये टॉप सर्च रिजल्ट, जो कि आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहाँ पे इन वेब पेज या फिर इस टॉप सर्च रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा, ये फर्स्ट वेबसाइट्स का नाम है loanpower.in करके, और जिसको मैंने यहाँ पे फिलहाल अंडरलाइन किया हुआ है। आप लोगों ने सिंपली इसी वेबसाइट पे क्लिक करना है, क्योंकि आज हम इसी वेबसाइट के हेल्प से, इसी वेबसाइट की मदद से जानने वाले हैं कैसे आप लोग जो है HDFC बैंक से हाउसिंग लोन्स यानी कि होम लोन्स लेने वाले हो। तो इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर टैप करना होगा, यानी इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा, क्योंकि इसी के अंदर जो है आपको मिलेगी अप्लाई करने की लिंक, और एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इससे कह सकते हो कि जब आप लोग इस वेबसाइट पर सक्सेसफुली विजिट कर जाते हो, तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, आपका पहला मेथड कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ में बढ़ते हैं हम लोग अपने सेकंड स्टेप की ओर, जानते हैं अब आपको क्या करना होगा। तो आपके फोन में कोई ना कोई ब्राउजर होगा, जिसको आप लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, जैसे गूगल ब्राउजर होता है, जो एंड्रॉइड ब्राउजर जो होता है वो ऑटोमेटिक प्री इंस्टॉल होता है सारे एंड्रॉइड स्मार्टफोन में। इसके अलावा मेरे फोन में इसके अलावा गूगल क्रोम ब्राउजर भी है, जिसको मैं यूज़ करता हूँ। तो आपके फोन में जो भी कोई ब्राउजर है, आप उसका सिंपली इस्तेमाल कर सकते हो। करना क्या है, आप लोगों ने अपने फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है,
जैसे ही ब्राउज़र ओपन करोगे गूगल का जो वेब सर्च इंटरफेस है वो खुल कर आएगा, जहाँ पे गूगल का ये जो सर्च बार है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही अब मैं जो यहाँ पे आपको वर्ड बता रहा हूँ, इस वर्ड को जाकर के आप लोगों ने सिंपली सर्च करना है, जो कि है loanpower.in। आप लोग जैसे इस वर्ड को डालोगे सिंपली आपके सामने जो है गूगल के वेब सर्च रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एग्जैक्ट कीवर्ड मैंने क्या सर्च किया है, जो कि मैं कुछ जूम करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये वर्ड सर्च करने में कोई मिस्टेक या कोई गलती आप लोग ना करने पाओ, क्योंकि अक्सर लोग जो है इस वर्ड को लिखने में अक्सर गलतियाँ या मिस्टेक करते हो, जो मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी व्यूवर करे। तो loanpower.in जैसे मैंने लिखा हुआ है, आप लोगों ने जाके जो है एग्जैक्ट यही कीवर्ड जाके जो है सिंपली सर्च करना है। जैसे आप लोग सर्च करोगे आपके सामने गूगल के टॉप सर्च रिजल्ट आ जाएंगे, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगी गूगल की फर्स्ट वेबसाइट loanpower.in करके। तो सिंपली आप लोगों ने इस वेबसाइट पे क्लिक करना है, क्योंकि इस वेबसाइट की हेल्प से आज हम जो है पर्सनल लोन के अलावा जो है हाउसिंग लोन्स वो भी HDFC बैंक से अप्लाई करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको इस वेबसाइट पे कर देना है टैप। तो जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट पे टैप कर दोगे आपको थोड़ा सा वेट करना है, जहाँ पे हमारे सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है loanpower.in की। और जैसे ही वेबसाइट का मेन होम पेज खुल के आ जाए, इसके बाद आपको क्या करना होगा, लेफ्ट साइड में देखिएगा आपको 3 bars का ऑप्शन, इस पर आपको सिंपली करना है क्लिक। क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने काफ़ी अलग अलग लोन के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिनमें से यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन लोन और इसके नीचे मिलेगा बैंक लोन। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, क्योंकि HDFC बैंक से हम लोग हाउसिंग लोन सप्लाई करने वाले हैं, और हाउसिंग लोन्स यानी कि होम लोन्स एक तरीके का बैंकिंग रिलेटेड लोन है, तो इसलिए यहाँ पे बैंक लोन का एक डेडिकेटेड ऑप्शन दिया गया है। तो बैंक लोन के ऑप्शन में आप लोगों ने सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही बैंक लोन के ऑप्शन में आप लोग क्लिक करोगे, बैंकिंग रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होंगे इस वेबसाइट के अंदर, इस loanpower.in की वेबसाइट के अंदर, सारे जो है आपके स्मार्टफोन में शो होने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, राइट साइड में देखने को मिलेगा सर्च बार, क्योंकि HDFC बैंक के अलावा बहुत सारे और भी बैंक्स हैं जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, और उनके काफ़ी सारे टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ऐसे में आपको यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करके सिंपली आपको सर्च करना होगा HDFC, और HDFC डाल के आपको सिंपली कर देना है सिर्फ सर्च। इससे क्या होगा कि HDFC बैंक से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होंगे सिर्फ वही शो करेंगे इस वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो HDFC बैंक पर्सनल लोन, एंड सेकंड आर्टिकल इज HDFC बैंक से होम लोन आप लोग कैसे ले सकते हो। और यही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो आर्टिकल हमने अंडरलाइन किया हुआ है HDFC बैंक से होम लोन्स कैसे लेंगे, आपको इस आर्टिकल पे सबसे पहले तो क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस आर्टिकल पे क्लिक करोगे आपका आर्टिकल ओपन होगा, जानकारी मिलेगा HDFC बैंक हाउसिंग लोन्स क्या होता है और यहाँ पे आपको कितना लोन मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पे बहुत डीप में इंफॉर्मेशन दी गई है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी आप लोग जब भी किसी भी बैंक से हाउसिंग लोन्स यानी कि होम लोन्स अप्लाई करने के लिए जाओगे, और किसी भी टाइप का प्रोडक्ट टाइप हो, वहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स की काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स के आपके वेरिफिकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और आपके एग्जैक्ट नीड को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे जो आपको बेसिक सवाल होते हैं कि HDFC बैंक से जब भी आप लोग होम लोन्स लोगे तो आपको इसमें कितना अमाउंट मिलेगा, तो देखो अलग अलग होता है ये, मतलब सभी के सभी लैंड्स के लिए और सभी के सभी प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग अलग होता है। तो ऐसे में आप पूरा एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ राउंड फिगर यहाँ पे मेंशन किया होता है वो मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी बेसिक की, यहाँ पे आपको लोन कितना मिल जाएगा, टेन्योर टाइमिंग यानी लोन लोगे तो कितने सालों के लिए आपको मिलेगा, 25 साल, 30 साल, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या जरूरी होंगे, और हमारी क्या एलिजिबिलिटी है जिसके हिसाब से हम लोन ले सकते हैं। तो सारे सवाल के जवाब हमें मेंशन किए हुए हैं, उम्मीद है आप इसको पूरा पढ़ेंगे जिससे आप लोगों के मन में कोई भी डाउट्स ना रहे। इसके बाद नीचे मिलता है आपको ये अप्लाई नाउ का लिंक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक है, जब आप लोग इस पूरे आर्टिकल को ध्यान से पढ़ लो उसके बाद आपको इस अप्लाई नाउ के लिंक पे ही क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आप लोग पहुंच जाओगे HDFC बैंक के ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शन पे, होम लोन वाले ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शन में, जहां पहुंचने के साथ ही हम लोग कैसे HDFC बैंक से हाउसिंग लोन अप्लाई करने वाले हैं इसके बारे में आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन। तो इसके लिए अप्लाई नाउ के लिंक पे कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ के बटन पे सिंपली क्लिक कर दोगे आपके सामने खुल के आ जाएगा HDFCBank.com का एक ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शन, जो कि कुछ इस तरीके से शो अप करेगा। और यहाँ पे देख सकते हो अभी आप लोग जो है HDFC बैंक के ऑफिशियल होम लोन्स वाले सेक्शन पे आ चुके हो। यहाँ पे आप लोग होम लोन्स के रिलेटेड जो है इनिशियल क्रेडिट कैलकुलेटर भी देखने को मिल रहा होगा, इसको हम लोग भी सिंपली यूज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जिनका अकाउंट पहले से ही है, जो कि HDFC बैंक में इनका अकाउंट ऑलरेडी है, उनको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन का सेक्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको इस सेक्शन पे जाना है। आपको जो भी HDFC बैंक ने जो है आपके कस्टमर आईडी और जो पासवर्ड प्रोवाइड किया हुआ है, आपको सिंपली लॉगिन करके जो है यहाँ पे लॉगिन कर जाना है। लॉगिन करने का फायदा ये होगा कि जब भी आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करोगे, बेसिक डिटेल्स को आपको फिलअप करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वो सारी चीज़ ऑटोमेटिक फिलअप होगी। और यहाँ पे क्योंकि आप इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, आपको ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। और यहीं पे अकाउंट क्रिएशन का भी ऑप्शन है, 10 मिनट्स के अंदर आप लोग अपना डिजिटल अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। वापस आते हैं मुद्दे पे, तो यहाँ पे सिंपली दिखा देता हूँ कि ये अभी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको कैलकुलेटर देखने को मिल रहा होगा, इसको आप बेसिकली यूज़ करके पता लगा सकते हो कि यहाँ पे आप कितना लोन लोगे और कितने साल के लोगे, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ेगा कैलकुलेट कर सकते हो बेसिकली। अब यहाँ पे मेन चीज़ है कि यहाँ पे आप लोगों को लोन कितना मिल जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे मिला हुआ मैक्सिमम टॉपअप जो है यहाँ पे 50 लाख रुपीज तक का लोन है, कितने टाइम के लिए, वो सारी चीज़ यहाँ पे दी गई है। अब होम लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन के सेक्शन पे आप लोगों ने सिंपली क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है, और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के सेक्शन पे आप लोग यहाँ पे आ जाओगे। अभी लिखा हुआ है जितने भी फील्ड्स दिए गए उनको पूरा फिलअप करना है, और यहाँ पे फिलअप करना मैंडेटरी है। यहाँ पे मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी वो सब भर के आपको सिंपली जो है पूरा फिलअप करके जो है नीचे जो है सबमिट के बटन पे आपको सिंपली टैप कर देना है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको जो है यहीं से लोन अप्लाई हो गया, जब आप इसको फिलअप कर दोगे
तो फिलअप करने के बाद जो है यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ इस तरीके का HDFC बैंक का होम एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी फोटो अटैच करनी है, यहाँ पे बेसिक हमको छोटी मोटी डिटेल्स डालनी है, यहाँ पे अपने बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालनी है, सिग्नेचर करनी है, और यहाँ पे आप लोगों ने अपने लोन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है। अब वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपके पास जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, वो वहाँ पे मेंशन थे, आप उनको पढ़ो, और जो भी आपके ह्यूमन वेरिफिकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो और प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है वो उन सबको अटैच करके जो है आपको यहाँ पे पूरा इसको फिलअप करके इसका प्रिंट आउट निकलवाना, फिलअप कर लेना, और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स उसको अटैच करके नियरेस्ट HDFC बैंक के ब्रांचेस पे आके आपको जो है इसको सबमिट करके आ जाना है, और इससे आपका इजीली होम लोन्स अप्लाई हो चुका होगा HDFC बैंक के थ्रू। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में समझ आ गई, जिस आपको पसंद आई होगी। कोई भी सवाल नीचे कमेंट्स पूछे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक के फॉलो भी कर सकते हैं। मैं मिलूंगा इस वीडियो में, टाटा, गुड बाय, टेक केयर।